जोक मर का मस्त जोक मारा रे ये हंस रे अलकट हंस। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, अपनी माँ को करियो। अरे बहन जी, मैं उनके पैर छू के दुकान खोलता हूँ। तो अपनी बहन को जाके नमस्ते कर। अरे क्या बातें कर रही है मैडम, सुबह सुबह मेरी माँ बहने करने बैगन घर में लड़ाई होने वाली है। कैसी बातें कर रही हैं आप? माना कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं। हैंडपंप से शक्ल के हैंडसम है। क्या कहना चाहती हैं आप? कहना क्या चाहती हूँ, ये देखो ये क्या है। ये क्या है? अरे ये तो बच्चा भी देख के बता देगा बच्चे की पैंट है। कल तक ये बच्चे की पैंट नहीं थी। मैं समझा नहीं बहन जी। अरे समझना क्या है इसमें, कपड़ा सिकुड़ गया है पूरा। बाप की पैंट धोने दी थी, बेटे की बना दी। ये कैसे हो सकता है? केमिकल से जो तुम इस्तेमाल करते हो अपना कपड़ा धोने के लिए। अरे केमिकल यूज करते हैं, कपड़ा सिकुड़ता है, लेकिन इतना थोड़ा सिकुड़ जाएगा कि बाप की पैंट बेटे की हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपसे कोई गलती हो रही है। गलती मुझसे नहीं, आपसे हो रही है। अब बोलो मैं क्या करूँ, शाम को मुझे अपने पति के साथ पार्टी में जाना है, अब उनको क्या पहना के लेके जाऊँ? एक काम करो ना, ये बच्चे को पहना देना और पति को साड़ी पहना के ले जाऊँ। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे गलतफहमी मुझे ही हुई थी जो तुम्हारी दुकान पर आ गई। अच्छी भली पैंट का सत्यानाश करके रख दिया तुमने और बोल रहे हो बच्चे को पहना देना। अरे बहन जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने बच्चे की पैंट दी हो। मान लिया कपड़ा सिकुड़ता है, लेकिन इतना थोड़ा सिकुड़ता है, कौन भरोसा कर लेगा? भरोसा ही तो कर लिया मैंने तुम पर और तुम्हारी दुकान पर, सिकुड़ गया ना। अरे भरोसा सिकुड़ता नहीं है, टूटता है। पर कपड़ा तो सिकुड़ गया ना, अब मैं किसकी माँ को मौसी बोलूँ? मेरी माँ को। क्या मौसी? मैं तुम्हारी माँ को मौसी क्यों बोलूँ? अभी तो आपने बोला किसकी माँ को मौसी बोलूँ। अगर आप मेरी माँ को मौसी बोलेंगी ना, वो बुरा भी नहीं मानेंगी। बहन बनाकर लूटते हो ना ग्राहकों को, जब काम नहीं आता तो दुकान खोलकर बैठे क्यों हो? नहीं 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 बहन जी, अब ज्यादा हो रहा है। पता है इस एरिया में नंबर 1 दुकान है, खानदानी काम है हमारा, और हमसे बेस्ट कोई ड्राई क्लीनर मिलेगा नहीं आपको। ड्राई क्लीनर नहीं हो तुम, जादू करो, एक चुटकी में बाप की पैंट बेटे की बना दी। अरे मान लिया आपकी बात कि कपड़ा सिकुड़ गया, लेकिन इतना थोड़ा सिकुड़ गया, साथ में बटन और चेन भी सिकुड़ गए। कमाल की बात कर रहे हो आप। अरे आप इनको जानते नहीं हो। किनको? मेरे पति को। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा बवाल, घर के साथ साथ तुम्हारी दुकान भी सर पे उठा लेंगे। अरे देखिए बहन जी, बहन बोला है ना तो बहन के घर में कलेश करवाओगे? एक बात बताओ बहन जी, मेरी बात मानिए, कपड़ा इतना नहीं सिकुड़ सकता। तो ये क्या है जो आपके सामने रखा है सबूत, इसका क्या करूं? सारी बातें छोड़िए, स्लिप लाइए। हम घरेलू औरतें इसी बात में तो मात खा जाती है ना, आपने स्लिप दी ना मैंने मांगी। एक काम करता हूँ, मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। अरे जरा सी पैंट के लिए मैं झूठ बोलूंगी क्या? देखा अभी आपने माना ना जरा सा, तो जरा सी मतलब बच्चे की पैंट। मतलब मैं अगर ये कहूंगी कि जरा सा बाहर आइए तो मैं बच्चे को बुला रही होंगी? अरे बहन जी मैं वो जरा सी नहीं, ये जरा सी बोल रहा हूँ। अरे आप जरा से पागल हो क्या? अरे मैं जरा सा नहीं, मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। आप जरा सा बताएंगी मैं क्या करूँ? दूसरी पैंट दो, बच्चे की नहीं बाप की। अरे अच्छा ठीक है, कहाँ से दे दूँ मैं दूसरी पैंट? पैंटों का पेड़ लगा मेरे पास। तो ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब पैंट खराब की थी। आप एक मिनट रुकिए, मैं एंट्री चेक कर लूँ पहले। तुम एंट्री देखते रहना, मेरे घर में मेरी नो एंट्री हो जाएगी। कर दो बर्बाद अपनी बहन का घर। देखिए देखना अब तुम अपनी बहन को घर से बेघर होते हुए। आप बताइए मैं क्या करूँ? अभी के लिए आप एक पैंट दे दो ताकि मेरे पति शाम को पार्टी में जा सके, उसके बाद चेक करते रहना रजिस्टर में अपनी एंट्री। ठीक है। सुनो व्हाइट कलर की लाना। हाँ व्हाइट ही लाऊंगा। हेलो, हाँ ममता। अरे यार पता है कितनी मुश्किल से मनाया मैंने इसको पैंट के लिए, तुझे तो पता है ना मेरे पति कितने गुस्से वाले हैं। अगली बार से लेके जाए ना तो टाइम से वापस कर दियो, तेरे चक्कर में ना मेरे को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा चल वो अभी आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है बाय। मजा आया भैया, जल्दी करो और हाँ 36 नंबर की लेके आना। हाँ ला रहा हूँ।